जब कभी आपके जहन में सीरियल किलर नाम आता है तो आपके माइंड में कौन सा नाम सबसे पहले उभर कर आता है? चार्ल्स शोभराज, जिसने 12 टूरिस्ट्स की हत्या की थी, या मोहन कुमार, जिसने 20 महिलाओं की हत्या, कपटी मार शंकरिया, जिसने 70 लोगों की हत्या की, या फिर सुरेंद्र कोहली, जिसने 4 बच्चों की हत्या की, या फिर कहीं रमन राघव नाम तो जहन में नहीं आता? नहीं दोस्तों, ये सारे जितने भी बड़े बड़े सीरियल किलर्स के नाम आप जानते हैं, उनका कद उस सीरियल किलर के आगे बहुत छोटा है जिसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। सीरियल किलिंग का इतिहास उठाकर देखें तो ये काफ़ी पहले से होता चला आ रहा है, लेकिन जितने कत्ल बहराम नाम के सीरियल किलर ने किए थे उतने आप सोच भी नहीं सकते। जब सीरियल किलर्स का नाम आता है तो विश्व भर में सबसे ज़्यादा कत्ल करने वाले शख्स के नाम में बहराम का नाम सबसे ऊपर आता है, जिसने 10, 20 या 30 नहीं बल्कि 931 कत्ल किए थे। इस सीरियल किलर का जन्म 1765 में हमारे देश भारत में हुआ था और 75 साल की आयु तक ये जीवित रहा था, यानी 1840 में उसे गिरफ्तार कर फांसी दी गई थी। उस वक्त इन्हें सीरियल किलर ना कह के ठग कहा जाता था। ये नाम अगर हम आज सुने तो ज़्यादा से ज़्यादा धोखा देकर पैसा ले जाने वाले अपराधी ही हमें समझ में आते हैं, लेकिन उस वक्त ठग खूंखार अपराधी को माना जाता था। बहराम एक खूंखार प्रवृत्ति का इंसान था जिसका पूरा एक गिरोह हुआ करता था। वो कहीं एक जगह नहीं रुकता था, अपने गिरोह के साथ वो जगह बदलता रहता था। उन दिनों में बहराम का ऐसा खौफ था कि लोगों का मानना था कि वो जिस रास्ते से गुजर जाए वहाँ लाशें गिरने लगती थी। वो पर्यटकों को, सैनिकों को, तीर्थयात्रियों को लूट कर उन्हें मार डालता था। इन सबको मारने का भी उसका एक अनोखा तरीका हुआ करता था। उसके पास हमेशा एक पीले रंग का रुमाल रहता था जिसमें वो एक सिक्का बांधे रहता था। उसी पीले रुमाल से वो लोगों का गला घोटकर उन्हें मार देता था। बहराम के गिरोह का लूटपाट करने का भी एक अलग ही तरीका था। उसके गिरोह के लोग ताक में रहते थे जिन्हें लूटना होता था, और जैसे ही उन्हें उनका शिकार दिखाई देता था वो गीदड़ की आवाज़ निकालते थे और उन्हें लूट लेते। लूटने के बाद बहराम आता और एक एक करके सबको रुमाल से मौत के घाट उतार देता था। दिल्ली से लेकर ग्वालियर और जबलपुर तक के लोगों में उसका खौफ इस कदर बढ़ चुका था कि व्यापारियों ने इस रास्ते व्यापार करना बंद कर दिया था। लगातार लोगों के गायब होने से उस समय की अंग्रेज सरकार सकते में आ गई और इस गिरोह को खोजने के लिए कैप्टन स्लीमन के अंडर एक टीम का गठन किया गया, जिन्हें बहराम को पकड़ने का काम सौंपा गया। कैप्टन स्लीमन अपने काम में लग गए और सबसे पहले उन्होंने दिल्ली से जबलपुर के बीच हाईवे पर जितने भी जंगल, झाड़, पेड़ थे उन्हें कटवा दिया ताकि इस गिरोह को छुपने का मौका ना मिल सके। इसके अलावा उन्होंने अपने खबरियों को सतर्क कर दिया कि किसी भी तरह की कोई भी जानकारी उस गिरोह के बारे में मिले तो वो तुरंत उन तक पहुंचाई जाए। ये छानबीन कई सालों तक चली, क्योंकि बहराम बहुत शातिर ठग था तो उसे पकड़ना इतना आसान भी नहीं था। लेकिन आखिरकार 10 साल के बाद वो दिन आया जब बहराम को कैप्टन स्लीमन ने पकड़ ही लिया, और तब जाकर उन्हें पता चला कि बहराम इतने लोगों को कैसे मारता था और मारने के बाद उन्हें किसी कुएं में फेंक देता था। बहराम को जब पकड़ा गया था तो वो 75 वर्ष का था। पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला उसने करीब 931 लोगों को मौत के घाट उतारा है। हालांकि बहराम का कहना था कि उसने केवल 125 लोगों को अपने हाथ से मारा है और 150 लोगों को अपने साथियों की सहायता से, लेकिन छानबीन के मुताबिक उसने 931 लोगों की हत्या की थी। आखिरकार इस शातिर सीरियल किलर को उसी साल यानी 1840 में फांसी दे दी गई। जिस तांबे के सिक्के को रुमाल में पिरोकर वो ये हत्याएं करता था, वो सिक्का आज भी म्यूजियम में रखा हुआ है जिसे लोग देखने जाते हैं। अगले किसी एपिसोड में मैं आपसे फिर मिलूंगा और कुछ रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।